कैदी 447 से कोटलखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मामूल का मेडिकल चेकअप, डॉक्टर्स ने ECG, ब्लड प्रेशर, शुगर समेत दीगर टेस्ट किए। आज पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, इस्लाम अमन का दीन है, मोहब्बत और इंसाफ के जोर पर फैला है। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का जौहर टाउन में जामियतुल खैर की सालाना तकरीब तकसीम इनामात से खिताब, कुरान पाक मुकम्मल करने वाले 30 से ज़ायद तलबा को इसनाद से नवाजा गया। मेट्रो स्टेशन बत्ती चौक के करीब चिंची रिक्शा सवार की दिन दिहाड़े राहगीरों पर अंधाधुंध फायरिंग, गोलियां लगने से एक राहगीर जान भाग, दो जख्मी हो गए। मुल्जिम गोलियां चलाता और रिक्शा भगाता फरार हो गया। जख्मी अकबर, ताज मोहम्मद और अख्तर को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 26 साल अख्तर म्यू अस्पताल से दम तोड़ गया थाना रावी, टाउन पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कोट लखपत में पसंद की शादी करने वाली खातून भाइयों के हाथों कत्ल, 30 साल उस्मा को भाइयों ने कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुल्जिम भाई अजहर और कासिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला उस्मा ने चंद रोज कबल साजिद से पसंद की शादी की थी। वालिदैन की गफलत, दो बच्चे जान से गए। चूंग में घर वाले मच्छर से बचाव की टिक्की लगाकर खुद हमसायों के घर महफिल में चले गए। पहले आग कालीन को लगी, फिर कमरे को लपेट में ले लिया, सोए हुए बच्चे सोए ही रह गए। 7 साला सुफियान, 9 साला अरसलान झुलस कर जाम बाग हो गए। मामूली झगड़े पर 25 साल नौजवान को जिंदा जला दिया। रोही नाले के करीब 4 मुलजिमों ने दुकान में इशफाक पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। इशफाक झुलस कर जाम भाग, इशफाक का चंद रोज कबल पतंगबाजी से रोकने पर मुलजिमों से झगड़ा हुआ था। जज्बाती मतवालों को ट्रेन रोकना महंगा पड़ गया। मरियम नवाज की कोट लखपत जेल आमद पर ट्रेन का पहिया जैम करने की कोशिश करने वाले UC चेयरमैन राय लियाकत, लीगी रहनुमा शफकत पांडा और मोहम्मद नदीम गिरफ्तार। पुलिस को मजीद 2 दर्जन कारकुनों की तलाश। पुलिस CCTV फुटेज और TV फुटेज से मदद ले रही है। खूनी खेल के शौकीन बाज ना आए, शहर में फिर पतंगबाजी। निश्तर कॉलोनी में पुलिस का खफिया इतला पर घर पर छापा, 160 से ज्यादा पतंगे और 90 बोतल शराब बरामद। 2 मुलजिमान बासित और गौहर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम मंशात फरोशी भी करते थे। पुलिस इंसानी सेहत के दुश्मन मुसाफिरों की जिंदगियों से भी खेलने लगे। पंजाब फूड अथॉरिटी की मोटरवे पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग, फ्राइड चिक्स फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कीड़े मकोड़े। नाकिस गोश्त पर सील, चिकन रोस्ट रेस्टोरेंट को जायदुल मियाद कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल पर ताले लग गए। नेजाब होटल भी बंद, शिकायत मिलने पर मोटरवे सर्विस एरिया की चेकिंग में इजाफा कर दिया DG फूड अथॉरिटी। दफ्तरी अमूर में मसाइल, काम का बोझ, 7 साल बाद लाहौर की एक और तहसील बनाने का फैसला। नई तहसील का नाम न्याज बेग होगा। दरियाई एरिया, रायबंड और इकबाल टाउन के इलाका शामिल किए जाएंगे। न्याज बेग तहसील बनने के बाद तहसीलों की तादाद 6 हो जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को समरी इरसाल कर दी गई। नई तहसील बनाने की हतमी मंजूरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब से मशरूत होगी। सब्जी मंडियां हो या आम बाजार, रेट नहीं रहते बरकरार। टमाटर की कीमत कम होते होते 74 रुपए पर आई है, लेकिन कहीं भी 80 से 85 रुपए फी किलो से कम नहीं मिल रहा। सब्ज मिर्च तो डबल सेंचुरी से ट्रिपल सेंचुरी की जानिब गामजन है, 285 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। आलू के सरकारी नर्ख 11, प्याज 28, बैंगन 42, गोभी 20, मटर 42 रुपए मुकर्रर है, लेकिन दुकानदार हर सब्जी का 2 से 5 रुपए जायद वसूल कर रहे हैं। अवाम महंगाई के घेरे में मुर्गी के गोश्त को फिर पर लग गए। कीमत मजीद 3 रुपए बढ़ गई। रेट 228 रुपए से बढ़कर 231 रुपए फी किलो हो गया। मटन और बीफ तो पहले ही महंगा, चिकन भी 5 से दूर। शहरी परेशान होकर रह गए।
बाहर के रंग और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम साथ साथ शहर के दरो दीवार को खूबसूरत रंगों से सजाने का अमल जारी। कहीं कौमी हीरोज की तस्वीर तो कहीं मुल्की सकाफत के रंग। रंगों से अमन और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का पैगाम फैलाया जा रहा है। डीसी लाहौर सालेह सईद।